नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हैं आप सभी? एनआरसी सीएए पे जो बवाल चल रहा है, अभी भी एक नया फंडा आ गया है एनपीआर, समझ में नहीं आता है देश किस तरफ जा रहा है। मैं कुछ कहता हूँ तो फिर सुलग जाती है इन अंधभक्तों की बड़बों की। कौन सा मेरा ऐसा गलत है? मैं बोलता हूँ यार, आप लोग जितना मुझे गालियाँ देते हो ना, उतना मेरे सवालों के जवाब दे दो तो मैं चुप हो जाऊँ। मेरे सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि कृपया शेयर करें इसको, ताकि ये साले बड़बों तक पहुँचे मेरी बात। सारे लोग नहीं है भाजपा में, मुझे कितने ही मैसेजेस आए आज तक, अभी जब से मेरी पहले वीडियो गई है अभी तक 3400 SMS आए हैं मुझे, 3400 SMS, जिसमें कि लोग सपोर्ट करते हैं, फिर बाद में कुछ बड़वे हैं गांडू की औलादें मैसेज गालियां देते हैं। मैं उनको वही बोलता हूँ, भाई मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व में। मैं कभी उसको गलत नहीं बोला, मैं तो हिंदुत्व की व्याख्यान देते रहा हूँ। मेरी कहाँ गलती है मुझे बताओ? नारी का सम्मान करना हिंदुत्व नहीं है? चलो आपके हिसाब से वो भी मान लेता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके हिंदुत्व में किसी की माँ बहन को रास्ते पे चोदने की बात करना, ये बड़ा हिंदुत्व है? एक तो तुम्हारी आईडी फेक होती है भड़वो, दूसरे अपना फोटो लगाने से तुम्हारी गांड फटती है, और नवाबी बड़ी बड़ी, विनय दुबे की आईडी ओरिजिनल आईडी है, अपना फोटो लगा के रखता हूं, तुम जैसे भड़वो के जैसे दूसरे का फोटो लगा के बात नहीं करता हूं। दूसरा चीज सुन, ये जो तुम गालियां देके बात करते हो, गालियां जो भेजते हो ना भड़वो, वो तुम्हारी खून के अंदर खराबी है। हमारा खून पक्का है, इसके लिए ओरिजिनल चेहरा लेके ओरिजिनल गाली देता हूं, वो भी फेसबुक लाइव पे आके तुम्हारी मां बहन करता हूं। भड़वो, तुम्हारे जैसे चूते जैसा टाइप करके मैसेज नहीं भेजता हूं। अरे सामने से बात कर, नंबर मेरा ओपन है, फेसबुक के ऊपर मेरा नंबर है, गांड में दम तुम्हारे फोन करो ना, तुम्हारी मां नहीं किया तो मेरे को बोलो। इज्जत से बात करोगे? इज्जत से बात करूंगा। सम्मान लोगे? सम्मान लोगे। गाली दोगे? तुम्हारी मां बहन कर दूंगा मैं। किसी के बाप से नहीं डरता हो तुम लोग, घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, घंटा। कुछ भड़वे थे कल, मैं मॉल में गया अपने बच्चों को लेके पिक्चर देखने, मैं मॉल के अंदर एंटर किया, वो चार पांच के ग्रुप में थे, मेरी दो छोटी बच्चियां मेरे साथ में, मैंने उंगली पकड़ के जा रहा था मूवी देखने, वो घेर लेते हैं, बोलते हैं तू ही है ना वो जो हिंदुत्व को गाली दिया। मैं बोला भाई मैं परिवार के साथ हूँ, बात करता हूँ, दो मिनट देना मुझे जरा, बच्चों को मैं छोड़ के आता हूँ। नवाबी अड़ी अड़ा इतना, मैंने थोड़ी सी अपनी आवाज तेज की, थोड़ी सी, बोला रुक, अगर एक बाप की औलाद है ना तू, कट्टर है ना, टीका विका मार के आया ना, तो रुक तू इधर ही, तेरे को बताता हूँ मैं हिंदुत्व क्या है और मैं क्या चीज हूँ। इतने के अंदर वहां की जो पब्लिक थी आसपास की, उन्होंने घेर लिया, उन्होंने बोला क्या भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो यहाँ पे। मैंने बोला कि मेरी बच्चियां साथ में है, ये गाली गलौज करके मुझे थोड़ा सा अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको वही कह रहा हूँ, दो मिनट दो, मैं जरा बच्चियों को साइड करके आता तो तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हारी माँ बहन करता हूँ मैं बराबर, तुम्हारी भाषा में तुमको समझाता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा मामला क्या, मैंने बताया, मैंने मेरा वीडियोस है एनआरसी पे सीए पे, तो मुझे अचंभित लगा कि वो जनता उनकी मां बहन करने लगी। एक लेडीज थी, बोलती तुम लोगों ने इस देश का भट्टा बिठा के रखा है साले, और यहां पे आके चौधरी बना कर रहे हो, ये मुंबई है। मैं डर रहा था कि कहीं इसमें भाजपा के लोग ना हो, फालतू में बवाल ना हो जाए यहां पे, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पांस जनता की तरफ से देख के मुझे बहुत बेहतरीन लगा। सारी पब्लिक उन छह जन को गालियां दे रही थी, सिक्योरिटी को बुलाया गया, बेइज्जत करके उनको मॉल से बाहर निकाला गया। अब बताओ क्या रह गया? मुझे खुद को शर्म आ रहा था कि मेरा अपना भाई इस तरह से अपमानित हो रहा है। लेकिन आप समझो बात को, कि देश की जनता ना तुम्हारी भजाने की तैयारी में है, देश की जनता, उनको नहीं चाहिए तुम्हारा, ये समझो। उनकी आधी से ज्यादा 70% आबादी जो भारत की है वो रस्ते पे उतरी है इसके विरोध में, कुछ तो कारण होगा। ये चूतिये जैसे अंधभक्त, इनको लगता है कि यही ज्ञानी है, बाकी सब चूतियां हैं। आईआईटी के स्टूडेंट रस्ते पे, आईएएम के स्टूडेंट रस्ते पे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रस्ते पे, सिर्फ ज्ञानी है तो यही भड़वे है ना। थोड़ा सा रोज, जब से आपने देखा होगा 2014 से जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेके रोज नया व्हाट्सएप पे कुछ आएगा, पूरा ये लोग इतिहास ही बदल दिए।
कभी कुछ डालते रहेंगे, गोबर भरते रहेंगे, खुद के दिमाग का गोबर दूसरे के गोबर में डालते रहेंगे। पब्लिक सारणी है, अभी बजाना चालू करती है, अब डालते रहो, कौन सुनता है? झूठ पे झूठ। उस दिन मोदी जी आके झूठ बोल के चले गए कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, बोल खुल गई। अभी आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि एनपीआर आया है, एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। मैं मानता हूं ये ठीक, बहुत सही बात कर रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद का और बीजेपी का संबंध नहीं है आपस में, है ना? जिस तरह से आरएसएस है जिसका विश्व हिंदू अपना एबीवीपी का जैसा, आरएसएस का जैसा भाजपा से संबंध नहीं है, वैसा ही सीए का एनआरसी और एनपीए से इससे संबंध नहीं है, एनपीआर से, है ना? लिखा है क्या चूतिया माथे पे? आपकी बात समझाता हूं, आपको आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं। हिंदू मुसलमान करके देश की वाट लगा रहे हो, ये भारत का राजपत्र है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट राजपत्र है, भारत सरकार का राजपत्र है जिसमें कि एक्ट आया है। इसका 12 दिसंबर 2019 को ये रिलीज किया गया जिसमें अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, भारतीय नागरिकता संशोधन एक्ट नियम। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। बहुत स्पष्ट तरीके से अंडभक्तों की बात बता रहा हूं मैं, इसमें नागरिकता जाने का सवाल नहीं उठता। मान्य एग्री करते हैं सारे लोग? मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, मैं कुछ इसमें गलत नहीं बोल रहा हूं, ये राजपत्र है और डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे। भारत का संविधान के हिसाब से जो नया नियम आया है उसमें ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इस धर्मों के लोग आए हैं उसको यहां पे नागरिकता दिया जाए, मान्य है। लेकिन इसी के साथ में भारत का जो मूल सिद्धांत है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15, लड़ाई यहां पे है। भारत का जो मूल सिद्धांत कहता है, जो संविधान कहता है, उसके अंदर आर्टिकल, मैंने एक भड़वे अंधभक्त को बोला अनुच्छेद 14 क्या है बता, बोलता है कौन सा छेद, इन भड़वों को छेद और अनुच्छेद में फर्क नहीं पता है। गांडू ये संविधान को लेके हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अनुच्छेद और छेद में इनको फर्क नहीं पता है कि छेद क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है, और ये हम सीए को समर्थन करते हैं। मैं मीडिया चैनल को थोड़ा हंसता हूं उनपे, क्यों धोखलापन कहां से लाते हैं ये, जहां पे सीए का प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे जाके पूछेंगे कि सीए का मतलब बताओ, एनआरसी का मतलब बताओ, फुल फॉर्म बताओ, और जहां पे समर्थन हो रहा है जरा वहां पे जाके पूछो ना सीए का मतलब क्या है, एनआरसी का नाम मतलब क्या है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का, कल मुंबई के अंदर, एक दो दिन पहले मुंबई के अंदर सीए समर्थन की भव्य रैली निकाली गई, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वगैरह सब आए। अगर इतना ही जनता का सपोर्ट और समर्थन है, आपको बसेस देनी पड़ रही है पब्लिक को, पब्लिक तो आई नहीं रही है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको बस दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है कि भैया बस खड़ी है दरवाजे पे, आओ बैठो, प्रदर्शन में समर्थन में रैली में चलना है। इस तरह से आप जनता का समर्थन ले रहे हो, इस तरह से जनता का समर्थन, अरे समर्थन है देखना है तो जो विरोध रैली निकल रही है उसमें पूछना भाई तू कौन है, वो बोलेगा मैं भाई ऑटो ड्राइवर हूं, आप घर चलाता हूं, ये क्या है यहां। मानता हूं उनकी पढ़ाई लिखाई इस लेवल की नहीं है कि उनको ये सब कानूनी भाषा याद आए, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध मतलब विरोध होता है। पैसे देके लाई गई भीड़, बस में बिठा के लाई गई भीड़, नाश्ते में करके नाश्ता का लालच देके, खाना का लालच देके, 200 रुपया देके, 500 रुपया देके लाई गई भीड़ से जनता समर्थन नहीं होती है। एक 5% लोग, 5% के लोग ये देश का रूप तय करेंगे ये भड़वे। लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान की नहीं है, अभी भी ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, इस देश में जो लड़ाई हो रही है रस्ते पे वो हिंदू मुसलमान को लेके नहीं है, ये संविधान को बचाने को लेके है। आर्टिकल 14 कहता है कि इस भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को, मैं नागरिक की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति को डेफिनेशन है कि भारत की टेरिटरी के अंदर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो बवाल चल रहा है ना, जो हिंदू, उसके बाद में बाकी बुद्ध, पारसी, इस तरह के, जो पहली बार संविधान के कानून के अंदर धर्म को इन्वॉल्व किया गया है, तो इसका विरोध हो रहा है कि आपको कानून लाना है। सीए का सभी समर्थन करते हैं, मुस्लिम भी समर्थन करते हैं, लेकिन आप इसको वापस चेंज करके
प्रताड़ित जो शरणार्थी है उनको लेके आइए, चाहे कोई भी धर्म का हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा मूल सिद्धांत है और इसको चेंज करने की ताकत प्रधानमंत्री के अंदर भी नहीं है। देश का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल संविधान है, वो किसी का बाप नहीं बदल सकता है। जो नियम है, मूल्स होते हैं, आप उसमें उसके प्रभाव के अंदर चेंजेस ला सकते हो, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, कल को अगर हम बोलते हैं ये भारत एक सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो आप सेकुलर हटा नहीं सकते उसको, वो धर्म निरपेक्ष राज्य ही रहेगा, किसी का बाप नहीं कुछ कर सकता है। ये मान के चलो कितनी ताकत है आप लगा लो। एक बात बताओ, देश के अंदर 1600 भाषाएं हैं, लगभग 1600 भाषाएं, और इन 1600 भाषाओं में सिर्फ एक ही पार्टी के लोग क्यों गाली खा रहे हैं? मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर 1600 भाषाओं में इनको गालियां पड़ रही हैं, फिर भी आंख पे पट्टी बंधी है। जो लोग भी मुझे हिंदुत्व बोल के टारगेट कर रहे हैं ना, मैं उनको अभी भी बोलता हूं, मेरे धर्म में, मेरे हिंदुत्व में ये कभी नहीं सिखाया गया है कि दूसरे धर्म को अपमान करें। ये कुछ जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाला जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, उनके की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो एक्चुअल हिंदुत्व है वो कभी नहीं कहता। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व कभी ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को अपमान करे। अरे उनके खुद के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेनापति था मुस्लिम था। आप कौन सा धर्म, कौन सा देश बनाना चाहते हो? एनआरसी असम में लेके आए 19 लाख लोगों को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें से 14 लाख हिंदू है। और ये हिंदू भड़वो, ये जो कुछ अंधभक्त जो भड़वे हैं हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक असम से 14 लाख हिंदुत्व अवैध हो गए तो पूरे भारत से कितने हिंदू अवैध हो जाएंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी चलेगा, लेकिन सौतन की मांग नहीं भरने दूंगी। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के वो अंधभक्तों का। मतलब हम विधवा हो जाएंगे चल जाएगा, लेकिन मुसलमानों को इस देश में नहीं चाहेंगे। भले हमारी 35 करोड़ हिंदुत्व हिंदू आदि जो हिंदू हैं वो अवैध हो जाएंगे इस देश में। पैसा है क्या भारत के पास? इतना पैसा है तुम्हारे पास मोदी जी? सिर्फ एक राज्य की एनआरसी के लिए तुमने 1400 से 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 19 लाख लोगों को अवैध को ढूंढने के लिए। पूरे देश में अगर एनआरसी आएगा तो कितने लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा इसको ढूंढने के लिए? अरे इतना ही पैसा पड़ा है ना, तो ये किसानों की कर्ज मुक्ति कर दो यार। जो अलग अलग राज्यों में जो आत्महत्या हो रही, 14,000 किसान तो हमारे से महाराष्ट्र में मरे हैं, आत्महत्या किया है, उस पे दे दो अगर ज्यादा पैसा हो गया तो। दूसरा चीज, ये जो अवैध मिलेंगे इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, इनको अपने देश नहीं भेजा जाएगा। ये नियम नहीं है, कहीं पे भी पढ़ा नहीं है, कहीं पे भी ये नियम नहीं है। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, अगर वो उस मूल देश का नागरिक साबित होता है तो उसको उस देश में भेजने का प्रयास किया जाएगा, जो जिसकी नागरिकता भारतीय है, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण अगर डिटेंशन सेंटर में जाता है तो उसको वहां पे पाला जाएगा, उसको दो टाइम खाना दिया जाएगा, उसके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है जेल। जेल में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कपड़ा, खाना पीना, उसके बाद वो सारी खर्चा, मतलब किस पे आएगा ये खर्च? ये अंड भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे 7,000-8,000 रुपए के आईटी सेल में काम करने वालों, एक मुजरिम के ऊपर, एक अपराधी के ऊपर जेल में रखने का कितना खर्चा आता है आपको पता भी है क्या? देश में अगर 30 करोड़ लोग अवैध घोषित हो जाए, 35 करोड़ 40 करोड़ लोग अवैध घोषित हो जाए, कहां कहां पालोगे? खुद के खाने के वांदे, और चले ये चलो दूसरे देश चले भी जाते तो चलो समझ में आता कि चलो देश में बोझ कम हो रहा है। अरे इनको डिटेंशन सेंटर में रख के हमेशा, जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक उसको उसमें रखना पड़ेगा, वो बोझ किसके ऊपर आएगा? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हवा हवाई नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे कोई व्हाट्सएप का ज्ञान लेके नहीं आया, जो पेपर में पढ़ता हूं, जो राजपत्र में जो पढ़ा है वही बात कर रहा हूं। एनआरसी का अभी नियम बना नहीं है, लेकिन डिटेंशन सेंटर तैयार हो गए हैं। एक डिटेंशन सेंटर असम का वो बीबीसी वर्ल्ड वालों ने दिखाया, 40 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 40 करोड़ रुपए में आप पता है कितने छोटे बच्चों को आप शिक्षा दे सकते हो? वहां पे अपराधियों को पालना, वहां पे अवैध भारतीयों को पालने से खर्चा करने से अच्छा अपना देश का शिक्षा तंत्र मजबूत करिए ना, नगर पालिका के हॉस्पिटल्स को मजबूत करिए, वहां पे और व्यवस्था लाइए, बेड बढ़ाइए, अच्छी सुविधाएं दीजिए भारत के नागरिकों को। गलत है क्या? गलत है, देश आगे बढ़ेगा ना। तुमको समझ में नहीं आ रहा ये चीज, करना चाहते क्या हो मोदी जी? सीधा सीधा एक लाइन में खत्म करो ना, ये भारत में मुस्लिम नहीं चाहिए, क्यों इतना घुमा फिरा रहे हो? बोल दो, खत्म करो झंझट ही खत्म। तुमको नहीं चाहिए ना एन एन प्रकार से मुस्लिमों को टारगेट, मुस्लिम उसमें नहीं है, शरणार्थी में मुस्लिम नहीं चाहिए, एनसीआर में, एनआरसी में मुस्लिमों को निकाला जाएगा, हिंदुओं को रखा। अरे सीधा एक बार क्लियर बोल दो ना, मुस्लिम नहीं चाहिए।
जितना हिंदू इस बिल के समर्थन में रस्ते पे उतरा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा हिंदू इस एक्ट के विरोध में रस्ते पे उतरा है, क्योंकि उनके दिल के अंदर हिंदुस्तान पलता है। अमित शाह मोदी जी नहीं पलते हैं, जिसके दिल के अंदर हिंदुस्तान है वो इस बिल का विरोध करेगा, क्योंकि इसमें संविधान का उल्लंघन है, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जो भारत का मूल सिद्धांत है। आप उसको बदल नहीं सकते, कहीं नहीं बदल सकते। आपके पास पुलिस व्यवस्था है, देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में दंगा चालू है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो आज मार खा रहे हैं पुलिस से या किसी भी चीज से, कल को आप सरकार चली जाएगी, आप तो फकीर आदमी झोला उठा के चल दोगे। लेकिन मैं पुलिस का झेला हूं, मैं जानता हूं कि पुलिस की बर्बरता क्या होती है, पुलिस किस हिसाब से ट्रीटमेंट देती है। मेरे अंदर आज भी, कल को अगर गलती से भी मैं कहीं सरकार में बना या कहीं आया ना, तो मुझे पता है ना कि कैसे करना है उन पुलिस वालों का। एक निरपराध होते हुए भी अगर आप प्रताड़ित करोगे ना, वो अंदर रह जाता है हमेशा। मोदी जी ने बहुत अच्छा बिया बोया है पूरे देश के अंदर, जिनको मारा जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, वो आगे जाके क्या करेंगे? वो आपसे प्यार करेंगे? ये जो नफरत है ना, आप बो रहे हैं और इसका फल आप ही को काटना पड़ेगा। झारखंड हो गया, आगे भी होते रहेंगे। आप अपनी ताकत लगाइए, जनता है रस्ते पे। मैं खुला चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकारों को, जितना दम है ना उतना दम लगा लो, जितने लोगों को पुलिस से उठवा के जेल में डाल सकते हो डाल लो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की जनता, पहले तो विरोध होता था, अब विद्रोह हो रहा है। रस्ते पे आप उतर के देखो, जो नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, आपके जो आसपास के लोग है जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मोदी जी जरा रस्ते पे जनता की भावनाओं को देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक अच्छे डायनेमिक लीडर हैं आप, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जो आपको ज्ञान देने वाले, आपको जो समझाने वाले जो लोग हैं, जो आपको गलत जानकारियां दे रहे हैं ना, उसकी वजह से एक अच्छा देश का एक अच्छा नेता खराब हो रहा है। हमें तकलीफ होता है, हमने बहुत अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ आपको चुन के भेजा था, इसके लिए हिंदू मुसलमान कराओ, देश में दंगे कराओ। ये कौन सा डिजिटल युग है मोदी जी? कितने राज्यों के इंटरनेट बंद है, हाई कोर्ट में काम नहीं चल रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट की एक बेंच का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पे उन्होंने सरकार से क्वेश्चन किया कि भाई हम अपनी रिपोर्ट्स, अपने जो डेली के प्रशासन के काम है उसको कैसे अपलोड करें, आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है। एसपी साहब बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे कानून पुलिस मैनुअल के हिसाब से काम होता है, आपके बोलने से नहीं होता है। अगर बंदे ने नियम तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। हिंसा किया है उसके पिछवाड़े लाल होने चाहिए, 100% होने चाहिए। लेकिन सिर्फ टोपी देख के, दाढ़ी देख के, टीका देख के नहीं, ये नियम नहीं है। यही आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी जो लोकसभा में सांसद के तौर पे रोए थे जब समाजवादी सरकार जब तोड़ती थी कुत्ते की तरह इनके कार्यकर्ताओं को, तब रोते थे वहां पे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। आज वही क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। किसी समय कांग्रेस को भी लगता था कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, उठा के बाहर फेंका है। अब आपके अंदर वो चीज है कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, आपको भी उखाड़ के फेंकेंगे। मैं अभी भी कहता हूं, मेरा किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का विशेष का विरोध नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही विरोध है कि जो संविधान की मूल व्यवस्थाएं हैं उसको ना बदला जाए। उसके लिए भले आप मुझे, अभी मुझे पता है कुछ दिनों के बाद मेरी भी आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन कितना भी कितने भी ने दुबों को आप दबाओगे, आप दबाइए, एक्शन लीजिए, गलत गलत केसेस बना के डालिए, देखेंगे ना। आपके केस बनाने से नहीं होता है ना, सबूत भी चाहिए। कितना मैनेज करोगे आप, मैं भी देखता हूं। और जो भी अधिकारी इस गलत काम में उनका साथ दे रहे हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है, आज नहीं तो कल भोगता है और भोगेगा ही। ये हिंदुस्तान है, यहां छोड़ते थोड़ी है। और उन तमाम मेरे अंधभक्तों से निवेदन है, आप जिस तरह से मां बहने चोदते हो ना, हम वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है वो। मेरी माँ आपकी माँ है यार, जो करना है आप करो उसके साथ बिंदास। मैंने आपकी माँ को अपनी माँ मान लिया है, क्या करना है रस्ते पे ले जाके, क्या करना है पाकिस्तान भेज के, करो बिंदास, आपको पूरी छूट है। अंधभक्तों आज खुला ऑफर दे रहा है विनय दुबे, तुम्हारी माता जी मेरी माँ है, उनके चरणों में मैं
उनकी जो राख है मेरे माथे पे, तुमको जन्म देने वाली अंधभक्तो, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, क्या करना है करो बिंदास, तुमको पूरी छूट है बढ़वो। और देखता हूं मैं, तुमको देना है ना जवाब मैसेज पे या मैसेंजर्स पे, आप मेरे को जवाब दो ना, ये संविधान 14 अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 ये इसका क्यों उल्लंघन किया जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, अल्टरनेट क्या है इसका, बताइए ना मेरे को। गालियां दोगे तो बढ़वे खाओगे भी, मुंबई का छोरा हूं ऐसा ही नहीं हूं, ठीक है। बाकी जिनको भी लगता है वो मुझसे, जब तक सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, एक दिन आएगा मुझे भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ सुना था कि 1947 में देश की आजादी के लिए लोगों ने क्या क्या किया, इमरजेंसी में कितने साल तक लोग जेल में रहे, आज मैं वो अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उस समय अंग्रेज थे, इस समय हमारे ही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। और इनको लगता है, इनको भ्रम है अपने अंदर कि यही देश है। अगर आप भाजपा को गाली दो तो इन भड़वों को लगता है कि इन्होंने देश को गाली, अबे गांडुओ हमने भाजपा को गाली दिया, तुम्हारी माँ बहन की, देश को करना होता है तो नाम लेके करते, तुम जैसे भड़वों को हम लोग खुलेआम बोलते यार, मैं नहीं पूरा देश माँ बहन कर रहा है। और इनको भ्रम है, अबे गांडुओ हमने देश, हमने अपना देश नहीं बदला है अभी तक, हमारे लिए आज भी देश का मतलब होता है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तुम्हारे जैसे रोज रोज बाप और देश नहीं बदलते हम लोग, कल को अमित शाह जी आ जाएंगे प्रधानमंत्री तो भाई ये भी बाप बदल दिया, अमित शाह हमारे बाप हैं, अमित शाह मतलब भारत। अरे वो गृह मंत्री है देश का, ऐसे कितने गृह मंत्री आए और चले गए और आते जाते रहेंगे, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं रुकता मेरे भाई, ये सत्ता किसी की एक की नहीं है, समय बदलता है। और जिस दिन बदला तो इतना पक्का मान लो कि अगले कितने ही दशकों तक भारतीय जनता पार्टी वापसी नहीं कर पाएगी, ये तय है। जहां भी वोट मांगने जाओगे ना चमाट मारेगी जनता तुमको, मैं नहीं बोल रहा हूं ये खुद आप फील करोगे। जिनका पाखंड और घमंड होता है ना उनका झारखंड पक्का होता है। 1600 पूरे देश में 1600 भाषाओं में तुम गालियां खा रहे हो, ऐसा कोई भाषा नहीं है जो तुमको सपोर्ट करता है, सब गाली देते हैं, सब मां बहन कर रहे हैं, शर्म आती है क्या? चुल्लू पर पानी में डूब मरो साले हरामियों। और बढ़वो लगे रहो, मैं भी लगा हूं तुम्हारी भी, देखता हूं कितने गांड में दम है तुम्हारे, है विनय दुबे बैठा इधर, और जो उखाड़ना ना उखाड़ लेना, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।